हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नाम नबील है। iOS 17 का डेवलपर बेटा 6 और पब्लिक बेटा 4 एप्पल ने कर दिया रिलीज। क्या है इनमें नया, क्या है इनमें खास, क्या आपको अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें एक एक करके हम इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपरली देखने मिल जाए। अब यहाँ पे देखेंगे आप अपडेट साइज को, तो बेटा 6 का जो अपडेट साइज है वो 744x8 MB दिखा रहा है, जबकि बेटा 4 जो पब्लिक बेटा 4 है उसका अपडेट साइज 6.12 GB दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इस वाले फोन पे बेटा 3 अपडेट नहीं किया था, बेटा 2 से डायरेक्टली बेटा 4 पे आए, इस वजह से यहाँ पे अपडेट साइज बड़ा दिखा रहा है। अदरवाइज 745 MB के आसपास का ही अपडेट साइज आपको देखने मिलेगा, चाहे डेवलपर बेटा आप अपडेट कर रहे हो या पब्लिक बेटा अपडेट कर रहे हो, क्योंकि दोनों वन एंड द सेम है। अपडेट से पहले जो दोनों ही डिवाइसेज है मेरे, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो अवेलेबल फ्री स्पेस था वो था 689.46 GB और 458.74 GB का। अपडेट से पहले का जो बिल्ड नंबर है मेरा बेटा 5 पे जो चल रहा था डेवलपर बेटा में, उसके एंड में डी था, लेकिन क्योंकि ये बेटा 2 पे था, बेटा 3 पे नहीं, तो यहाँ पे जे दिखा रहा है। एक्चुअली बेटा 3 से अगर आप अपडेट करें तो यहाँ पे भी डी दिखाएगा। और अपडेट से पहले का जो मोडेम फर्मवेयर था वो था 2.08.01, लेकिन ये बेटा 2 वाला है इसलिए और पुराना फर्मवेयर दिखा रहा है यहाँ पे। अपडेट के बाद क्या हुआ देख लीजिए, यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस है जो बेटा 5 से बेटा 6 पे आया उसके अंदर कुछ एमबी से घट गई है, और जो पब्लिक बेटा 2 से डायरेक्टली पब्लिक बेटा 4 पे आया उसमें कुछ जीबी से बढ़ गई है। अपडेट के बाद दोनों ही जो बिल्ड नंबर्स है उसके एंड में सी आपको मिलेगा, क्योंकि जो पब्लिक बेटा 4 है और जो डेवलपर बेटा 6 है वो दोनों एग्जैक्टली सेम सॉफ्टवेयर है। आप दोनों में से किसी पे भी चल रहे हो आपको सेम परफॉर्मेंस और सारी चीजें एग्जैक्टली सेम नजर आएगी, एक भी फीचर का डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, तो दोनों में से कोई भी आप चला सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। और अपडेट के बाद का मोडेम फर्मवेयर नंबर भी आप देख सकते हैं, दोनों में एग्जैक्टली सेम है क्योंकि दोनों अपडेट्स ही सेम है। तो पब्लिक बेटा डेवलपर बेटा का अगर कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया है तो हम बात करते हैं अब इस अपडेट के अंदर, चाहे पब्लिक बेटा हो डेवलपर बेटा हो, इसमें क्या नया है। इस वाले अपडेट में सबसे पहले सबसे नई चीज जो निकल के आई है वो ये है कि कॉल एंड का बटन अब जो है सेंटर में आ चुका है वापस अपनी जगह पे। पिछले अपडेट्स के अंदर वो यहाँ पे जहाँ पे कीपैड वाला बटन दिया हुआ है वहां पे था, तो कुछ लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। आदतन यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जो हमको हैबिट है पहले से, तो यहाँ पे वापस एप्पल उसको लेके आ गया है। अगली चीज जो यहाँ पे एप्पल ने न्यू लेके आया या फिर फिक्स किया बोल सकते हैं वो है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जो वॉलपेपर है पहले iOS 16 वाला दिखाता था, अब iOS 17 वाला जो है यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये भी अपडेट हो गया है। सेटिंग्स के अंदर आई मैसेज की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको आई मैसेज का एप्स नजर आ रहा है, इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सिंपली उसको टॉगल ऑफ कर सकते हैं। मतलब मुझे मिंत्रा वगैरह ये सारी चीजें जो है आई मैसेज के अंदर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऑफ कर सकता हूँ, फिर वहां पे वो पॉपअप नहीं होगा। पहले यहाँ पे जो है डिलीट का ऑप्शन आता था, तो अब डिलीट हटा दिया है, सिर्फ आप इसको टॉगल ऑफ भी कर पाएंगे। इसके अलावा iOS 17 के डेवलपर बेटा 6 और पब्लिक बेटा 4 के अंदर नया कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फीडबैक एप्लीकेशन ओपन करके देख लेते हैं कि पहले के मुकाबले कितने बग्स यहाँ पे एप्पल ने फिक्स किया है। तो रिलीज नोट्स में हम चले जाते हैं, यही रिलीज नोट्स रहेंगे दोनों के, और यहाँ पे देख सकते हैं आप काफी सारी चीजें जो है एप्पल ने फिक्स किया, लेकिन काफी सारी चीजें अभी भी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे यहाँ पे एप्पल लोगो वाला प्रॉब्लम आ रहा था, कोई कोई एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वहाँ पे जो है एप्पल लोगो पे अटक जाता था, तो वो सॉल्व हो गया है। फ्री फॉर्म से रिलेटेड एक बग यहाँ पे एप्पल ने फिक्स किया है, वॉइस ओवर से रिलेटेड बग यहाँ पे फिक्स किया गया है, पर्सनल वॉइस रिलेटेड फिक्स किया गया है, और यहाँ पे क्लासरूम सेटअप करते हैं आईपैड पे तो वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। एयरप्ले से रिलेटेड इश्यूज जो है वो फिक्स किए गए हैं, एयरपोर्ट से रिलेटेड काफी सारे इश्यूज यहाँ पे फिक्स किया है इस अपडेट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे ऐप से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फिक्स किया है एप्पल ने। एप्पल स्टूडियो डिस्प्ले अगर आपके पास है तो उससे रिलेटेड फिक्सेस है, और यहाँ पे कॉल एंड के टाइम पे जो बटन था वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता था तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है। असिस्टिव एक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व है, ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व है, और इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है एप्पल ने यहाँ पे सॉल्व किया है। कार की सेलुलर नेटवर्क बहुत सारे इश्यूज जो है यहाँ पे इस अपडेट में फिक्स किया है, तो काफी ज्यादा मेहनत चल रही है फाइनल स्टेबल वर्जन लॉन्च करने की, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है। इस वाले अपडेट में कोई स्टोरेज बग या इस टाइप का इशू है या नहीं वो भी चेक कर लेते, तो सेटिंग जनरल आईफोन स्टोर में चले जाते, दोनों फोन के अंदर देख लेते हैं। तो ये वाले फोन में भी मैं चेक कर लेता हूँ जिसके अंदर मैंने पब्लिक बेटा चला के रखा हुआ है, तो यहाँ पे आईफोन स्टोर में जाता हूँ, यहाँ पे भी स्टोरेज देख सकते हैं आप लोड हो गई जल्दी, पहले 1 TB वाले आईफोन में लोड नहीं होती प्रॉपरली। और अब यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टोरेज बग जो है या फिर स्टोरेज का जो सिस्टम डेटा वाला प्रॉब्लम है पिछले वाले अपडेट से काफी हद तक कम है, 30 GB के आसपास चला गया था पिछले अपडेट में, लेकिन अब जो है बैक टू नॉर्मल है, 12.31 GB यहाँ पे जो मेरा रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करने वाला आईफोन है 14 प्रो मैक्स प्राइमरी डिवाइस, और यहाँ पे ये मेरा ऑफिस वाला डिवाइस है जिसको मैं टेस्टिंग रखता हूँ, तो इसमें कम दिखा रहा है क्योंकि यूज भी इसका कम होता है, लेकिन ये डेवलपर बेटा वाले के अंदर देख सकते हैं आप टोटल साइज जो है काफी कम है पहले के मुकाबले, तो ये भी यहाँ पे फिक्स किया एप्पल ने, तो ये अच्छी बात है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे अपडेट फिलहाल। तो बेंचमार्क चेक कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है और जनरल परफॉर्मेंस के बारे में आगे बताता हूं मैं आपको।
तो सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर देख सकते हैं। पिछले अपडेट का सीपीयू स्कोर है ये 1906-5422 और आज है 1905-5401, तो ऑलमोस्ट सेम ही है 19-20 का फर्क, कोई डिफरेंस यहाँ पे हम नहीं मान के चलते। और यहाँ पे जीपीयू का स्कोर भी देख लेते हैं, तो पिछला वाला अपडेट के अंदर था 15,675 और आज है 15,559, तो अगेन 19-20 का फर्क है, थोड़ा कम ज्यादा 100 पॉइंट इधर उधर, 200-300 पॉइंट इधर उधर चलता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और मैंने इसको सुबह से यूज भी किया है, तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन जो है प्रॉपरली फिलहाल वर्क कर रहे हैं, दिक्कत मुझे किसी में नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस ओवरऑल जो जनरल वाला है वो भी अच्छा है, और जो अपना गीक बेंच निकाला मैंने स्कोर वो भी सही है। नेटवर्क रिलेटेड भी मुझे कोई इशू यहाँ पे नहीं आया, सारी चीजें प्रॉपरली काम कर रही है। एयर ड्रॉप दो फोन को नजदीक लाएंगे तब भी सही से काम कर रहा है, एक बार करके भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों iOS 17 वाले फोन को मैं नजदीक लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये एयर ड्रॉप जो है प्रॉपरली काम कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। और बहुत सारे एंड्रॉइड यूजर्स जो हमारे वीडियोस देखते हैं उन लोगों को लगता है कि नोकिया में ये फीचर आता था, ऐसे घुसा के जो है ट्रांसफर करते थे डेटा, तो मेरे भाई वो इंफ्रारेड वाला ये फीचर नहीं है, एयर ड्रॉप ही है। इसका जो एग्जीक्यूशन है उसका तरीका चेंज कर दिया है, पहले शेयर शीट में जाके हम शेयर किया करते थे, एयर ड्रॉप किया करते थे, लेकिन अभी ये थोड़ा इजी बनाया, दोनों फोन को बस नजदीक लाओ और एयर ड्रॉप हो गया। तो हमारे वीडियो देखा करो ताकि आपको सही नॉलेज हो और आपके कमेंट्स का मजाक ना उड़ाया जाए। बैटरी हेल्थ भी चेक कर लेते हैं, बैटरी लाइफ तो अभी फिलहाल बताना जो है बहुत मुश्किल है। 100% पे चार्ज करके मैंने अपडेट इंस्टॉल किया था, गीकबेंच रन किया, सब किया, और फर्स्ट डे पे करना जो है ये मतलब गलत ही हो जाएगा, कुछ सेंस नहीं बनता, इसलिए उसको छोड़ दो। फिलहाल बेटर लग रही है पहले के मुकाबले, लेकिन देखेंगे आगे जाके कैसी रहती है बैटरी लाइफ। और यहाँ पे हम बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 1% जो है बैटरी हेल्थ हमारी गिर गई। ये सारी चीजों का जिम्मेदार जो है ये बीटा अपडेट्स है, जिसके अंदर थोड़ी हीटिंग ज्यादा होती है और चार्जिंग भी फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है बैटरी ड्रेन की वजह से। लेकिन इस वाले अपडेट के अंदर कैसी रहती है बैटरी हेल्थ वो आने वाले दिनों में जब अगला बीटा वर्जन आएगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊं। तो अब बीटा अपडेट्स का एक नेगेटिव पॉइंट इस बार देखने को मिला है खासतौर पे कि बैटरी हेल्थ जो है काफी गिर गई है। जैसे बीटा 1 में बहुत गिरी थी, बीटा 2 बीटा 3 में ठीक थी, बीटा 4 बीटा 5 के अंदर 1% गिरी थी और अब जो है 1% गिर गई है। आगे देखना है कितनी गिरी। कुछ नए स्प्लैश स्क्रीन्स भी आपको दिखा देता हूं जो इस वाले अपडेट में हमको देखने मिले हैं। तो यहां पे हेल्थ एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो आपको इंप्रूव हेल्थ एंड एक्टिविटी करके लिखा है और उसमें क्या कुछ नया है वो देखने मिलेगा। फ्री फॉर्म एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो उसमें भी नया स्प्लैश स्क्रीन है, और फोटोज एप्लीकेशन ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम ये अपडेट इंस्टॉल करने के बाद तो यहाँ पे भी एक नया स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा आपको। इसी के साथ जो है कैलेंडर एप्लीकेशन में भी एक नया स्प्लैश स्क्रीन नजर आ रहा है, और कैलेंडर ओपन कर ही लिया है तो अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आजकल में आपको देखने मिल सकता है। ये iOS 16.6.1 का स्टेबल अपडेट होगा और ये जैसे ही आएगा इसके बारे में हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। और सितंबर के थर्ड वीक के अंदर नए आईफोन्स लॉन्च होंगे, उसी के साथ जो है आपको iOS 17 भी देखने मिल जाएगा। तो ये थी कहानी दोस्तों iOS 17 बीटा 6 की और पब्लिक बीटा 4 की, क्या आपको ये अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहिए। अगर आप इसके प्रीवियस वर्जन पे चल रहे हो तो हाँ करना चाहिए, अगर आप स्टेबल वर्जन पे चल रहे हो तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेबल वर्जन iOS 17 का जो है एक महीना ही दूर है, एक महीना तो आप रुक ही सकते, जब इतना रुके हो तो थोड़ा और रुक जाओ, अभी बेकार में जो है तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है आपको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।